तो या गाइस, कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था, मेमोरी वगैरह फुल हो गई थी, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, बट नेवर माइंड। ये बहुत अच्छे हैं, एक सुपर्ब सा लाइक आई वाज टेलिंग यू, हाइड्रेशन देगा, एक अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। सो या हाईली कमेंडेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो मैं एक्चुअली बोल रही थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, वो ये प्रोडक्ट है, खादी नेचुरल हेयर क्लेंजर नीम एंड एलोवेरा। दिस इज ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। आई गेस इतना ऑलरेडी मैं यूज कर चुकी हूँ, सिर्फ इतना सा बचा है, आई मीन इतना यूज हो चुका है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है सस्ता है तो अच्छा नहीं है, अच्छे से क्लेंस करता है। नीम एंड एलोवेरा इन्फ्यूज है तो कहीं ना कहीं एंटीबैक्टीरियल है, जो ग्रीस ऑयल एक्यूमुलेट हो जाता है वो भी अच्छे से बालों से निकल जाता है। अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है सो प्लीज आप इग्नोर कर लेना। एंड अच्छे से हाइड्रेट करता है। ओवरऑल मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में ये अच्छा लगता है, नंबर वन अफोर्डेबल है, नंबर टू अच्छे से काम करता है। लाइक ऐसा नहीं है कि सस्ता है, मैं जो ऐसे कह रही हूँ, कुछ को लगता है लोगों को शैम्पूज वगैरह लॉरियल या हाई एंड बॉडी शॉप या वेला, आई नो उनके शैम्पू अच्छे होते हैं, बट ऐसा नहीं है जो सस्ते हैं वो अच्छे नहीं है। मैं वो भी यूज करती हूँ और ये भी यूज करती हूँ। सो आई थिंक मुझे दोनों चीजों का कहीं ना कहीं एक आउटपुट पता है, एक रिव्यू है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा है, अफोर्डेबल है, सो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से क्लेंस करता है, अच्छा सा टेक्सचर देता है बालों को, एंड सिल्की रहते हैं बाल, स्मूथ रहते हैं बाल, ओवरऑल अच्छा है। बहुत सारे वेरियंट्स भी आते हैं, नीम एंड एलोवेरा है इसके। अगर कहीं ना कहीं मुझे पिक्चर मिलेगी तो मैं डाल दूंगी, मुझे अभी रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है। नीम एंड एलोवेरा ये है, पहले वाला जो मैं यूज कर रही थी वो किसी और पर्पज के लिए होता है। नीम एंड एलोवेरा आपको पता है एंटी बैक्टीरिया, तो डैंड्रफ प्रॉब्लम है, हेल्दी स्कैल्प और हेयर के लिए, और रिवाइटलाइजेज द हेयर एज वेल। प्राइस इसका 250 है और क्वान्टिटी इसकी अराउंड अराउंड क्या एग्जैक्ट क्वान्टिटी है इसकी, इस तक कौन गया, 210 ml, जो एक अच्छी क्वांटिटी है। प्राइस और क्वांटिटी अगर आप देख पाए तो बहुत सही रहेगा, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओवरऑल काफी अच्छा शैम्पू है, अच्छे से लास्ट करता है, बेसिक जो इसका जॉब है क्लेंस करना बालों को, वो अच्छे से करता है, ज्यादा पैसे बिना खर्च करवाए, विन विन सिचुएशन। सो या बहुत अच्छा है, हाईली हाईली रिकमेंडेड। ट्रैवल अगर आप देखें तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है, छोटा सा आई मीन शैम्पू है, अच्छे से इसका ये लॉक हो जाता है। एंड या यू गेट दैट क्लिक साउंड, एक्चुअली बहुत बार यूज कर चुकी हूँ सिंस मैंने आपको दिखाई दिया है, सो थोड़ा वो लूजन अप हो जाता है, बट या ब्यूटिफुल प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक है। आपको अगर लगता है खादी नेचुरल कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो केमिकल वगैरह, तो ऐसा नहीं है, नाम ही खादी नेचुरल है। काफी अगर इंग्रेडिएंट्स इसके आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल, सोबर और क्लीन है। ऐसा नहीं है कि केमिकल्स हैं या व्हाट शुड आई से सल्फेट है उस टाइप का है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। SLS एंड पैराबेन फ्री, न्यू एंड इम्प्रूव पैकेजिंग दिस इज, पहले कुछ और पैकेजिंग में आता था। एंड आई थिंक मैं इसके बारे में और कुछ नहीं भूल रही हूँ, इसका जो बेसिक सब आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया। अगर आप एक शैम्पू हंट पर हैं, अच्छा सा शैम्पू चाहते हैं और जो रीजनेबल भी हो और ब्यूटिफुल हो, तो ये शैम्पू मस्ट हैव है, ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई मीन बहुत जल्दी से मुझे ये वीडियो खत्म करनी है, बट कुछ भी बिना मिस करें, मारियो बडेस्को। अगर इस ब्रांड के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं, सो ये एक अच्छा स्किन केयर ब्रांड है, काफी अच्छे इसके टोनर्स आते हैं और व्हाट शुड आई से मॉइस्चराइजर्स आते हैं SPF वाले, और सेल वगैरह भी नायका पे इस टाइम है। ये बेसिकली एक ऐसा ब्रांड है जो ज्यादातर स्किन केयर के ही प्रोडक्ट्स निकालता है, उसी सेगमेंट को केटर करता है, जिसमें ये केमिकल्स लाइक AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, BHA, इस टाइप के जो व्हाट शुड आई से डीप स्किन केयर जिसे हम बोलते हैं, वो ये ब्रांड बनाता है। मुझे ओवरऑल ये बॉडी वॉश अच्छा लगा, AHA बोटानिकल बॉडी सोप पैकेजिंग पे लिखा हुआ है। ये बेसिकली मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगी, वैसे तो सबके लिए अच्छा है, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस प्रोडक्ट को कम यूज करें, लाइक हफ्ते में 2 से 3 बार। क्यों 2 से 3 बार में क्या होगा, एक्सेस जो स्वेट रहता है, गंक रहता है, समर्स के लिए ये बहुत अच्छा है पहली बार। विंटर्स में मैं इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी, विंटर्स में अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो वीक में 1 डे, अगर ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है तो विंटर में भी 2 to 3 days, ऑयली स्किन अगर समर्स में यूज करना चाहते हैं, ऑयली स्किन राइट,
सो 3 to 4 days, बाकी के 3 दिन आप नॉर्मल कोई और बॉडी वॉश, कोई और सोप, वॉट एवर जो आप यूज करते हैं, क्योंकि ये एएचए इन्फ्यूज्ड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, सो ये डीप क्लेंसिंग करता है हमारी पोर्स की, हमारे स्किन की, हमारे सेल्स की, डेड सेल्स, डेड स्किन निकलती है इससे. सो इस वजह से मैं नहीं चाहती दैट आप इसको ऑन अ रेगुलर बेसिस, लाइक से 5 days, 6 days, 7 days अ वीक इसको यूज करें. नो, ऑयली स्किन पीपल इन समर्स आप यूज करें 3 to 4 days, समर्स में 4 days इज फाइन, ऑयली स्किन वालों के लिए ही विंटर्स में 2 days, ड्राई स्किन वालों के लिए आई वुड से विंटर्स में 1 to 2 days मैक्स, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन समर्स में 3 days इन अ वीक, बाकी आप कुछ भी यूज करें. अगर आपको इसके बाद भी ये एएचए इन्फ्यूज वाला बॉडी वॉश थोड़ा ड्राई लगता है, आपको लगता है थोड़ी स्किन ड्राई है, ऑब्वियसली क्लेंसिंग तो अच्छी से है, तो आप इसको ढक्कन खोल के, ऑब्वियसली मैंने इसमें खुद ने 3 से 4 ढक्कन लाइक प्रॉपर कैपफुल ऑफ ग्लिसरिन डाला, 4 कैपफुल ऑफ ग्लिसरिन पूरा कैप भर के. सो आप समझ सकते हैं मुझे भी हल्का सा ड्राई लगा, जबकि विंटर्स नहीं है, समर्स चल रहे हैं, ऑयली रहती है, स्वेटी रहती है स्किन, मेरी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए मैं इसको हफ्ते में 3 दिन आराम से यूज करती हूँ, 3 to 4 days, बाकी 3-4 दिन कुछ और, कोई और सोप या बॉडी वॉश जो एएचए डीएचए इन्फ्यूज नहीं है, ऑफकोर्स अच्छे से डीप क्लेंसिंग करता है, और समर्स में मुझे लगता है ये प्रोडक्ट मस्ट हैव है, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्लेंस करता है, अच्छे से पोर्स, सेल्स, स्किन डीपली क्लीन हो पाती है, और अच्छा राइट. और अगर आपको ड्राई लगता है तो मैंने उसका भी बता दिया कि आप 3 से 4 ढक्कन आराम से ग्लिसरीन के डाल लीजिए, शेक इट एंड यूज इट. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मारियो बेडिस्को का, थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, यूएसए का ये प्रोडक्ट है, सो बट आई फील बहुत लंबा टाइम आपके साथ ही रहने वाला है आपकी वैनिटी पे, 236 ml क्योंकि इसकी क्वांटिटी है. सो अभी भी आप देख सकते हो मुझे ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं इस करते हुए, और इतना लगता है. लूफा पे लेकर अच्छे से लगाएंगे तो अच्छे से लेदर होगा, डायरेक्ट आप लगाएंगे सो ऑब्वियसली उतना लेदर नहीं होता, इतने झाग नहीं बनते टू बी ऑनेस्ट, झाग या सो लूफा पे लगाएंगे तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा लेदर हो जाएगा और लंबा टाइम तक चलेगा ये प्रोडक्ट, और वैसे भी डेली आपको यूज भी नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली इट विल रिमेन विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, लाइक योर बेस्ट लॉयल फ्रेंड. ओके, एंड प्राइस इसका कहीं ना कहीं या 800 rupees, आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव आपको लग सकता है और है भी एक्सपेंसिव 800 rupees, बट अगर सेल चल रही है नाइका पर 20% ऑफ तो कितना हो गया 160, राइट, 160 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो इट विल बी अराउंड 660, राइट, सो 660 नहीं 640, राइट, 640 में अच्छा ये है, 10-20% में है, ले लीजिए, कोई कॉम्बो साथ में है तो भी ले लेना, बट ये एक अच्छा बॉडी वॉश लगा मुझे. और नोजल मैंने आपको शायद दिखाई नहीं, ऐसे आपको ओपन करना है एंड यहाँ से आपको वो दिख रहा है प्रोडक्ट, यहाँ से आएगा ब्यूटिफुल बॉडी वॉश फॉर डीप क्लेंसिंग, राइट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस प्रोडक्ट, दिस इज अ नाइका, बहुत अलग ब्रांड के भी आता है, ब्रॉन्सन का भी आता है, आप समझ ही गए होंगे अगर आप मेकअप लवर हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इस लाइन में. सो ये ब्रश क्लीनर है, ब्रशेस क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 250-300 तक आते हैं, ब्रॉन्सन का तो 150 में ही आ जाता है, मैं कहीं ना कहीं ब्रॉन्सन की पिक्चर डाल दूंगी, राइट, उसके थोड़े टाइनी होते हैं एग शेप के, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं. बेसिक पर्पज आपका यही है कि आपके मेकअप ब्रशेज अच्छे से क्लीन रहें, ब्यूटिफुल रहें, ज्यादा टाइम तक चलेंगे, सो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम तक आप स्मार्ट सुंदर ब्लेंडेड लुक पा पाएंगे, राइट. सो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दिस इज हाउ यू काइंड ऑफ लाइक प्लेस योर फिंगर्स इनसाइड एंड होल्ड इट एंड स्टार्ट रबिंग इन सर्क्यूलर मोशन. सो ओवरऑल नाइस प्रोडक्ट, वो भी अच्छा है ब्रॉन्सन और ये नायका का भी अच्छा है. नाउ द लास्ट प्रोडक्ट जिसका मैंने थोड़ा सा सस्पेंस बनाया हुआ था वो है ये प्रोडक्ट. आई नो पैकेजिंग इतनी सुंदर और इतनी अट्रैक्टिव है दैट मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने कहा ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मन में चल रहा था कि उतना एक्सपेंसिव ना हो, लाइक 3-4-5 समथिंग उतना भी ना हो, क्योंकि एक्चुअली में मुझे लिपस्टिक्स की जरूरत भी नहीं थी. सो या लेकिन थोड़ा रीजनेबल था, स्मैश बॉक्स की मिनी लिपस्टिक्स 4, राइट, ये मुझे 1350 का पड़ा सिलेक्ट सिटी वॉक डेली मॉल में, राइट, ये ऑनलाइन भी नाइका पे सेम प्राइस पे अवेलेबल है 1350 स्मैश बॉक्स का 4 मिनी लिपस्टिक्स, ब्यूटीफुल कॉम्बो, स्टील डील, मतलब
अगर आपको ये स्टाइल नायका पे मिल जाए तो प्लीज ले लेना, बहुत अच्छी क्वालिटी, स्मैश बॉक्स हाई एंड ब्रांड है अगर आपको पता है तो, और बहुत अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक्स होती हैं, बहुत अच्छे से स्टे करती हैं और बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपको ये नहीं लगेगा लिपस्टिक की वजह से आपके लिप्स क्रैक हो रहे हैं या फट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मुलेशन टॉप नॉच, बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली स्मैश बॉक्स है तो अच्छा ही है, जैसे मैक है, स्मैश बॉक्स है और आपका NYX, इसके लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं। मुझे एक्चुअली नाम रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है। सो यार ये चार आती हैं, मैं चारों के पिक्चर्स, मेरे खुद के पिक्चर्स स्क्रीन पर डाल दूंगी, जिस जिस दिन मैंने लगाए थे मैंने पिक्चर्स लिए थे, जिससे इस वीडियो में मैं आपको दिखा सकूं कि ये कैसे लगते हैं। सो ब्यूटिफुल 0.9 ml क्वान्टिटी आती है हर एक लिपस्टिक की, राइट। सो 0.9 ml बहुत है, 1350 में चार लिपस्टिक 0.9 ml ईच, 12 से 15 यूजेस पर लिपस्टिक आप लगा लो, 12 से 15 आराम से एक लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, एक न्यूड है राइट साइड में, उसके बाद मिसकंडक्ट करके एक है जो वाइन शेड है, उसके बाद एक रेड, ब्लडी रेड लाइक टोमेटो रेड शेड है, बहुत बिल्कुल पार्टी लाइक, ऐसा नहीं है कि अलग सा रेड है, बहुत अच्छा रेड है वो। और बाकी ये है लास्ट वाला, ये एक थोड़ा सा पिंकिश फ्यूशिया थोड़ा मिक्स है, वो भी बहुत अच्छा है। तो इन्होंने चारों वेराइटी, चारों कलर फैमिली केटर की है, न्यूड, वाइन, रेड और पर्पल पिंकी उस टाइप का भी। तो 4 लिपस्टिक्स और स्मैश बॉक्स इन 1 बॉक्स, स्मैश बॉक्स इन 1 बॉक्स, या सो। और आप डब्बे को भी यूज कर सकते हैं, दिस इज सो मच लाइक यू नो ब्यूटिफुल। जब भी लिपस्टिक आप अपने यू नो यूज कर रहे हैं, बाहर निकालो, स्टैक भी कर सकते हैं और ये डब्बा बाद में कभी भी यूज भी कर सकते हैं, इट्स ब्यूटीफुल, स्टिकर्स वगैरह हैं इसमें। सो या ये लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छी लगी। ये लास्ट प्रोडक्ट था जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, दिस इज इट, बास्केट खाली हो चुकी है। ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैं आपको यू नो चाहती हूँ कि आपको जिसकी भी जरूरत है, ऐसा नहीं सब लेना है, जिसकी भी जरूरत है, मेकअप की है लिपस्टिक्स लो, बॉडी वॉश की लो, क्लीन अप अच्छा चाहते हो तो शीट मास्क है, शैम्पू, बॉडी स्क्रब, हेयर मास्क, वॉट नॉट, मैंने सब कवर कर दिया इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक इट, बहुत मोटिवेशन यू नो मिलता है तो अच्छा लगता है, फर्दर वीडियोज अच्छे आते हैं और एक फुल ऑन एनर्जी रहती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टा हैंडल कहीं ना कहीं स्क्रीन पे डाल दूंगी। सो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत रील्स वगैरह मस्ती मजाक चलता रहता है। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फॉर नाउ, बाय बाय, लाइक आई ऑलवेज से, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।